बुरे हालात आने से पहले दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दिया करते। अफशा, अफशा, देखो तुम्हारी जिंदगी में दिलबर किस बुरे हाल में है। बस थक गए हो अभी से। अभी तो तुम्हारी सूरत से इंसानों को खौफ आता होगा, एक रोज मौत को भी खौफ आएगा दिलबर। औरत बेचने वाले दलाल को मौत भी कबूल नहीं कर सकती। यूं आंखें मत फेरो अफशा, दिलबर की बदौलत कितनी आयश की जिंदगी गुजार रही हो। कुछ पैसे दे दो। कब तक दूं? कितने दूं? और क्यों दूं? जिंदा रहने के लिए माफिया लगाऊंगा, माफिया। तुम्हारी रगों में वो बेहया खून दौड़ता है जिसका अपना जहर माफिया को बेसर बना देता है। और फिर मैं तुम्हें इतना कुछ दे चुकी हूँ कि कुछ और देने की हिम्मत नहीं रही। निकल जाओ मेरे कमरे से। पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। आंखें दिखाता है, अपनी औकात को पहचानो। निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं पैसे छीन लूंगा। दिल पे चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें सब छोड़ दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ दिल पे। खूनी औरत, तुम मुझे मारना चाहती हो मगर मैं नहीं मर सकता। मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट करूंगा। ए यूसुफ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किया। मुझे माफ कर दो मम्मी, ने बहुत गुनाह किया। मम्मी को माफ कर दो। मम्मी इज अ सिनर, मम्मी इज अ सिनर, मम्मी इज अ सिनर। हेलो अफशा। गुड इवनिंग मम्मी। गुड इवनिंग डियर। आज तुम्हारी इवनिंग फ्री है? सारा प्रोग्राम तबाह हो गया मम्मी। व्हाट हैपेंड? 6 बजे यूसुफ से टाइम था कि दिलबर आ गया। दिलबर? ओह, वो पुराना दला? डेलस। हाँ, पैसे मांगता था। मैंने इनकार किया तो आंखें दिखाने लगा, झगड़ा हो गया। मैंने गुलदान मारा, वो जख्मी हो गया और कहता पुलिस में रिपोर्ट कराएगा। व्हाट? वो पुलिस में रिपोर्ट कराएगा? ओ मम्मी, इस साले को 10 के लिए अंदर करा देगा। ब्लैकमेलिंग, बहुत बड़ा जुर्म। Oh, come on, baby, sit down. Don't worry. लेकिन वो थाने चला जाएगा मम्मी। What थाना? ना औरत बेचने वाला थाना जाता, ना औरत खरीदने वाला थाना जाता। ओ भूल जाओ, सब भूल जाओ, just forget about it.
ड्रिंक करेगा? नहीं मम्मी, मैं बहुत बोर हूँ। बोर? ओह, इसलिए कि इवनिंग खराब हो गया। हम अभी थोड़ा काम बना था। जागीर। हेलो मम्मी, मैं तुम्हें ही डायल कर रहा था। अब सारा, तुम पक्का लाए हैं, एकदम झूठा। बट मम्मी को चीट नहीं कर सकता। क्या प्रोग्राम? बताओ मम्मी, कोई सिलसिला है? ओह यस, एकदम टॉप क्लास। यस, हाँ ठीक है, समझा देगा। बाय। काम बना दिया। एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है? बहुत अच्छा आदमी है, झगड़ा भी करता और डरता भी है। अयश भी करना मानता और घर भी जल्दी जाना मानता है। वैसे मम्मी, आज मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता। बट व्हाई? बस दिल भर को देखकर पुराने जख्म ताजा हो गए। वो दिन याद आ गए जब वे सिर्फ अफशा थे, दिल बहलाने वाला खिलौना नहीं, खिलौनों से खेलने वाली मासूम लड़की जो किसी की बेटी थी और किसी की बहन। ओह नॉनसेंस, इस दुनिया का सब रिश्ता झूठा है अफशा। सब लोग हमको भी तो मम्मी बोलते हैं ना, तुम भी और कस्टमर भी। भाई बहन, बाप माँ, सब कच्चा रिश्ता है, इनको पैसा खरीद सकता है। बस एक हस्बैंड का रिश्ता है, जो ठीक मिल जाए तो बड़ा भी ठीक हो जाता है। यू नो, बेटी बहन तो बहुत से लोग बेच सकता है, लेकिन बीवी गंजर लोग भी नहीं बेचता। मम्मी आउटिया ग्रैंड होटल रूम 27, 7:30 बजे पहुंचो, देरी मत करो। चाओ। गुड इवनिंग मम्मी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब मम्मी कपड़ा बदलेगा और उस दिलबाग डेरिस का थाने में रिपोर्ट करेगा। हेलो संतरी बादशाह। सलाम हवालदार, कैसा है? एकदम ठीक मम्मी, तुम कैसे आए? जरा सलाम बोलने को आया था हवालदार साहब को। हेलो मम्मी। सलाम साहब। कैसा है मम्मी? आज तो तुम्हारा कोई लड़की रेड में नहीं पकड़ा गया। लुक थानेदार साहब, ये छोकरी लोग अपना खराब माँ बाप का, हमारा तो कुछ नहीं है। मम्मी तो बस खुदाई खिदमत का है, उनको छुड़ाने का जिम्मेदार, जैसे तुम उनको पकड़ने का जिम्मेदार। अपना अपना ड्यूटी है, तुम पकड़ता है हम छुड़ाता है, तुम पकड़ता हम छुड़ाता है, तुम अपना काम करता है हम अपना काम करता है। इधर से नहीं तो बड़ा साहब से करता है। यू नो, मम्मी को सब जानता और मम्मी भी साहब को जानता। सिगरेट? नो थैंक यू मम्मी। ओ मैन, ये रिश्वत नहीं है, ये तो कर्टसी है। इखलाक, इखलाक। कर्टसी या अखलाक को छोड़ो मम्मी, बोलो काम क्या है। थानेदार साहब, एक छोकरी है, बिल्कुल इनोसेंट, एकदम ठीक तला दिल भर उसको ब्लैकमेल करना मांगता अपना धंधा के लिए। धंधा करना तुम्हारा कानून में जुर्म है, शरीफ बनना तो जुर्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो सुना थानेदार साहब, वो उसको धंधे के लिए बोला, उस लड़की ने उसको मारा, उसको जख्मी कर दिया। अब वो धन्ना बोलता है हम थाने में रिपोर्ट कराएगा। अब तुम बोलो, धन्ना को मारने वाला छोकरी का तुम हेल्प नहीं करेगा? कानून अच्छे लोगों का साथ देता है मम्मी। वो तो एकदम अच्छा वाला छोकरी है, एकदम अच्छा वाला। उसको तो रोना भी आता है और सोचना भी। क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं, आपने मेरा नाम नहीं पूछा। इसलिए कि जो लड़की अपना नाम बताती है वो गलत होता है। बिकने वाली लड़कियां हर नए मर्द को खुश करने के लिए नया नाम रख लेती हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छी बात ही है। कुछ पियोगी? जी नहीं, सिर्फ पिकूंगी। ओह, ये लो तुम्हारा नजराना, 1000 रुपए, गिन लो। जो रिश्ता मुझ में और आप में है, इसमें मर्द वादे से कम नहीं, ज्यादा ही देता है। गुड गर्ल, कम ऑन। मम्मी तुम्हारा कोई बात नहीं सुनेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। जो लड़की शादी के बाद अपने हस्बैंड को छोड़कर वापस आ सकता, मम्मी उससे कुछ नहीं करेगा। पहले बोलो, बोलो तुमने हस्बैंड को क्यों छोड़ा? वो बहुत जालिम था मम्मी, इतना मारता था, इतना मारता था। ओ इडियट, हस्बैंड की मार से बचकर इधर शैतान का मार खाने आ गया। तुम एकदम अनफिट लड़की है, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। खुदा के लिए मम्मी, इतने पैसे दे दो, एक फ्लैट ले लूं, कुछ कपड़े भी बनवा दो, धंधा चल पड़ेगा
तो पैसे वापस करो। हम इस धंधे के लिए एक पैसा नहीं देगा। रॉन्ग, बिल्कुल गलत। तुम मम्मी की नसों में मम्मी का कॉन्सेप्ट खराब करता। मगर मम्मी, और सुना लड़की, बुराई करना बड़ा गुनाह, लेकिन अच्छा बनकर बुराई करना उससे बड़ा गुनाह। और तुम सबसे बड़ा गुनाह हमारे पास इसे करना मानता। इम्पॉसिबल। हेलो मम्मी। ओ हेलो अर्चना। अरे रजवा, तुम यहाँ कैसे? साला डाइवोर्स लेकर आ गया, अपने धंधा करना मानता। क्यों, तुम्हारा हस्बैंड अच्छा नहीं? ओ, ये खुद ठीक नहीं होगा। जब इसका हस्बैंड ने इसका पहला लाइफ कबूल किया तो इसको भी उसका बुरा हैबिट कबूल करना चाहिए था। ये सब गलती इसका है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है नजमा। ओहो, मम्मी पूरी बात सुनती ही नहीं। बस बस खत्म करो। अफशन आले, क्या प्रोग्राम? प्रोग्राम ये कि मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाई सूट पीस। ओह वेरी गुड वेरी गुड। नजमा, तुम कपड़ा मांगते हो? ये लो। खाना मांगते हो? इधर आ जाओ। रहना मांगते हो? बैठ ले लो। बाकी अरेंजमेंट सब खुद करो। चलो चलो छुट्टी करो। मम्मी का इबादत का टाइम। चलो अफशन आले, हम जरा कपड़ा बदलते। तुमने इबादत के लिए सिर्फ एक जोड़ा क्यों बनाया है? सफेद फरिश्तों जैसा दो तीन जोड़े और बनवा लो ना। चुना, लास्ट ईयर हमने निटिंग करके कुछ पैसा जमा किया। वो कपड़ा हमने उन अच्छे पैसों से बनाया, इसलिए मम्मी जब भी अपने खुदा के पास जाता है ठीक कपड़ा पहनता है। स्टैन, तुम कितनी ऐसी हो। मम्मी, मैं तो तुम्हें तलाश कर रहा था। गाड़ी में बैठो ना। ओ इडियट, हमारे नजर से दूर हो जाओ। घर से चर्च और चर्च से घर तक का रास्ता मम्मी का लाइफ का रास्ता है। तुम उसको स्पॉइल करना मांगता। हम तुम्हारे गाड़ी में नहीं बैठेगा, कुछ नहीं सुनेगा, पैदल चलेगा। नॉनसेंस इडियट, साला वाक्य बताता है। यस कम इन। ओ हेलो बड्डू, कैसा है? आओ बैठो। थैंक यू। बैठो। थैंक यू। क्या देखता है? कुछ नहीं मम्मी, या तो मेरी नजर कुछ कमजोर है या आपका दिमाग कुछ कमजोर है। व्हाई? अभी भी थोड़ी देर पहले तुम एकदम टाइम बम बनकर हमको मिला। एकदम हिंज करने आप पूछता है कैसा है तुम। मम्मी, तुमने तो हमारा खाना ही कम कर दिया। अब मैं बदरू कबाड़िया नहीं, शेर बन गया हूँ। गुलबर्ग में कोठी है, मोटर है, फोन लग गया है। वेरी गुड। ठेकेदारी का धंधा करता हूँ और तुम हमको पहचानता नहीं। मम्मी, नजर का ऐनक लगाओ ऐनक। बदरू, तुम बिल्कुल इडियट। थैंक यू। अपना मस्जिद में जाता वक्त, वापस आता वक्त कभी तुमने कोई गलत बात सोचा? मैं कोई काफिर हूं? तो फिर मम्मी ये मेल मिलाप का धंधा जरूर करता। बिगड़ा हुआ दौलतमंद को गलत लड़के से जरूर मिलाता। बट मम्मी कभी एक खुदा है तुम्हारी तरह, वो खुदा जो सबका है, मम्मी का, तुम्हारा जैसे कस्टमर का, धंधा करने वाली लड़की का, गरीब का, अमीर का, शरीफ का, बदमाश का, सबका। आई एम सॉरी यार, हम अपने खुदा के पास से आ रहा था, तुमको नहीं पहचान सकता था। ओ मम्मी, तुम्हारी बातें सुनकर तो थोड़ा बहुत नशा था, वो भी तबाह हो बर्बाद हो गया। कोई कारोबार की बात करो ना। क्या बात करेगा? मुझको एक ठीका लेना है। महकमे के अफसरों को खुश करने के लिए एक ऐसी लड़की ला दो जो उनको खुश कर दे। कोई गड़बड़ नहीं होगी, पैसा भी छीन दूंगा। ओ मैन, तुम कब से गला बन गया? क्या बात कर रहा है मम्मी, हमको तो ठीका लेना है, ठीका लेना है, उसके लिए कुछ सब कुछ करना पड़ता है।
ठीक आ लेना है। कोई लाइफ गुजारने के लिए धंधा करता, कोई पैसा ज्यादा करने के लिए, हमको तो ऐसा लगता है जैसे अपनी अपनी जरूरत का सब तला है। ओ हुज्जत मत करो मम्मी, कोई मॉडर्न सी लड़की ला दो जो डांस वांस भी जानती हो। एक लड़की है जो सब काम कर सकता है, अफशा। अभी हम उसको फोन करते हैं, बट जरा एक्सपेंसिव है। कोई बात नहीं, सब करेगा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। दिल नशी चाल है, क्या हसी जिस्म है, दिल नशी चाल है। बेच डालो, बेच डालो ये नीला मका माल है, क्या हसी जिस्म है, दिल नशी। कुछ अजीब से लगता है।
पैसा, मैं तो कुछ पैसों के बस यहाँ बिकने आई हूँ, और इस गुनाह के लिए लोगों का हंगामा और रोशनी जेब नहीं देते। अरे अंधेरे और तन्हाई की जरूरत हम जैसे इज्जतदार लोगों को होती है अपने गुनाह छुपाने के लिए, मगर तुम्हें किससे खौफ आता हुँ? तुम तो मुजस्सिम गुना हो, एक ऐसा खेल जिसकी कीमत अदा कर दी गई है हा? और अब ये खेल उसी तरह होगा जैसे हम चाहेंगे। नहीं सेठ साहब नहीं, जो हम चाहेंगे वो होकर रहेगा। ये खेल सेठ साहब, बाला खाने पर बैठी तवायफ के सीने में भी एक गुनाह होती है, लुट नहीं सकते। आप तवायफ की बेहुरमती कर सकते हैं, मैं औरत की बेहुदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब बिल में अदा करूंगा डॉक्टर, आप पैसे की परवाह ना करें, मुझे सिर्फ इतना बता दें ये बच तो जाएगी ना। आपकी क्या लगती है ये? मेरी कुछ नहीं लगती डॉक्टर, इनका मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ, चोटें ज्यादा है, उम्मीद है बच जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। शुक्रिया आपकी जान बच गई, डॉक्टर ने होश आ गई, शी सेव्ड। थैंक गॉड, आपने भी सारी रात बड़ी बेचैनी में गुजारी है, कैसी तबीयत है आपकी जी? आपका नाम क्या है, एड्रेस दीजिए ताकि आपके घर वालों को इतला दी जा सके। जी एड्रेस, मेरा कोई घर नहीं है डॉक्टर साहब। क्या मतलब? जो घर बनने वाला था आपने जान बचाकर वो भी गवा दिया है, मर जाने दिया होता मुझे। मायूसी गुनाह है, और अच्छे लोग गुनाह से दूर रहते हैं मोहतरमा। मोहतरमा, आपका एक्सीडेंट इनकी गाड़ी से हुआ था, आप चाहे तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। जिस पर लगे जख्मों की रिपोर्ट पुलिस को दो, लेकिन रो पर लगे सब किसे दिखाऊं? इनका इलाज कौन करेगा डॉक्टर, कौन करेगा? रात भर जागती रही। तुम तो ऐसी परेशान हो जाती हो सफिया। भैया आप ही के वजूद से तो ये घर घर है, वरना आप तो जानते हैं अब्बू का सारा वक्त अपने दोस्तों में गुजरता है, और जहांगीर साहब हफ्तों हो जाते हैं नहीं आते। पता क्या सफिया, मैं फैक्ट्री से आ रहा था तो मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मामू जान आपकी गाड़ी टूटी तो नहीं? जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बच गया है ना? हाँ बच गई। ओह थैंक गॉड, तो बच गया बेटी। वैसे एक्सीडेंट बहुत सीरियस था, लेकिन डॉक्टर बोलता बेबी को बेशक घर ले चलो, हमने तुम्हारा बिल पे कर दिया, चलो चलो। हे व्हाट्स इट, कुछ देर और ना रुक जाए मम्मी। ओह नो नो, कम ऑन गेट अप। ओह नर्स, अब हम जाते हैं, थैंक यू वेरी मच। बेबी तुम अब तक बैठे? वो मम्मी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया किसका? ओ, जिसका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ। हॉस्पिटल भी तो वही लाए थे। ठीक है ठीक है, शुक्रिया। नर्स बोल देगा? नर्स आप?
आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। Oh, why not? जाना चाहते हैं? जब वो यहाँ आए तो उन्हें ये चिट दे देना। कौन? जो मुझे यहाँ लाए थे। अंडरस्टैंड, समझा? थैंक यू वेरी मच, अब जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू। गुलाब जैसी सूरत जितनी हसीन है उतनी ही पुरसरार भी, जैसे उसके सीने में हजारों दास्तानें हो, सदियों पुरानी दास्तानें। रो पर लगे सब किसे दिखाऊं? इनका इलाज कौन करेगा डॉक्टर? जी वो तो चली गई। चली गई? जी हाँ, और ये चिट दे गई। साहब आदाब, आपसे मिले बगैर जा रही हूँ, इस बात का अफसोस रहेगा, इसलिए कि आप मेरे कातिल भी हैं और मोहसिन भी। मोहसिन इसलिए आपने मुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुचला, और कातिल इसलिए मुझे हॉस्पिटल पहुँचाकर मेरी जान बचा दी। कातिल और मोहसिन, आखिर ये इतनी पुरसरार क्यों है? उसने तुम्हारे हॉस्पिटल में खिदमत किया, बहुत अच्छा आदमी है, मगर तुम इतने सीरियस क्यों है डार्लिंग? बस ऐसे ही मम्मी। सीरियस तो मम्मी को होना चाहिए था, तुमने हॉस्पिटल से एक दफा भी मुझे, ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारा मम्मी नहीं है कुछ और। ओ, कैसी बातें करती हो मम्मी, तुम तो अंधेरों में नजर आने वाली रोशनी हो, मुझे तुम्हारे सब एहसान याद है। व्हाट रोशनी, व्हाट एहसान? तुम छोकरी लोग मम्मी को जलील करना मानता है, हम तुम लोग को प्यार करना छोड़ देगा। कल सलमा एक रेड में पकड़ा गया, हमने उसकी जमानत कराया, वो भी यही बोला। सारा थाने वाला हम पर हंसता था कि मम्मी ने धंधा करने वाली छोकरी का जमानत कराया। हमको समझ नहीं आता, ये वकील लोग पैसा लेकर टकियाई का मुकदमा लड़ता है, इन पर कोई नहीं हंसता, मम्मी सब हंसते हैं। ओ मम्मी, यू आर ग्रेट, गुनाह और सवाब के संगम का तुम वो रोशन चिराग हो जो गुनाहों के रास्ते पर लौटने वालों को अच्छाई का रास्ता दिखाता है और गुनाह की तरफ जाने वालों को उनके भटक जाने का एहसास दिलाता है। तुम कुछ ऐसी दवा हो मम्मी जो हर बीमारी का इलाज है, तुम अमृत धारा हो मम्मी। गुड जोक। सुनो बेबी, अब तुम कुछ दिन रेस्ट करो। जी तो चाहता है जिंदगी भर का रेस्ट हो जाए। वंडरफुल, अब तुम कुछ दिन इधर रहेगा, रमी खेलेगा, टेडी बेयर्स अ पॉइंट। गुड गर्ल। हेलो, कौन? बैठो। मम्मी, उस लड़की ने तो हमारा कमरा। ए जी, थम थम, सबको अंदर कराएगा। जिस बड़ा ऑफिसर का तुम हमको रोब देता, सबसे पहले उसका रिपोर्ट कराएगा। तुमको मालूम नहीं मम्मी बहुत कितने खबरदार, जो इधर कभी छोकरी लेने के लिए आया, सारा इडियट कबाड़िया। नॉनसेंस, सारा सेट बनता है, कबाड़िया इडियट। अब क्या सोचता है? सोचती हूँ ये बदरू कितना बुरा आदमी है। यस, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी तो होते हैं मम्मी। व्हाई नॉट? और अच्छे लोग गुनाह से दूर रहा करते हैं। कई दिनों से तुम हमको जगह जगह लेकर फिरता दीदी, अब इधर मांझेदारों में आ गया, रात का वक्त, इधर कंट्रास्ट में तुमको क्या मिलेगा? सुकून, इंसानी बस्तियों और गुनाहों से दूर रहने का एहसास मिलेगा मम्मी। उसने कहा था। मैं तुम किसी शरीफ आदमी की बात नहीं आ गया, हमको तुम्हारा एटीट्यूड एकदम पसंद नहीं बेबी, बिल्कुल पसंद नहीं। ये साला शरीफ आदमी जब मिलता जिगर मिलता हम लोगों का सुकून बर्बाद करके चला जाता, इनका हर बात में धोखा होता, वो भी साला गलत था, एकदम झूठा झूठा था। तो फिर उसकी बातें मुझे परेशान क्यों कर रही है? भूल जाओ उसकी बातों को बेबी। कैसे भूल जाओ मम्मी,
रुको मिस्टर, पहले हमको बोलो तुम कौन है और हमारा बेबी से क्या बोलना मानता है। मेरा नाम आसिफ है, मेरी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ था। ओह आसिफ, मैं बहुत दिनों से इनको तलाश कर रहा हूँ। क्यों तलाश कर रहा था? मैं इनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्यों जानना चाहता है? अस्पताल में इनकी बातों और चेहरे से यूं लगता था जैसे ये बहुत दुखी हैं। और उसका दुख दूर करने के लिए तुम उसका हमदर्द बनकर उसका पीछा करता। उसके बारे में कुछ जानना मांगता तो मम्मी से पूछो। शी इज जस्ट अ वुमन, वो एक औरत है और बस। इतना तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं इससे कुछ आगे जानना चाहता हूँ। सुना शरीफ आदमी, मांझेदारों में उदास और परेशान फिरने वाला औरत के लिए अगर हमने एक लफ्ज भी बोला तो तुम चीख उठेगा, इसलिए कि तुम भी एक मर्द है। मैं उस औरत के बारे में पूछना चाहता हूँ जिसकी रूह पर लगे हुए जख्म मैंने अस्पताल के कमरे में देखे थे, जो मुझे कातिल और मोहसिन बनाकर कहीं खो गई। अब मैं पागलों की तरह से तलाश करता फिर रहा हूं। अब अगर ये मिल गई तो मैं जानना चाहता हूं ये कौन है। मोहनजोदारो में ये बिगड़ी हुई तस्वीर देख, मोहनजोदारो में इस आस पे अब तक जिंदा हूँ, बदलेगी कभी तकदीर मेरी देख, मोहनजोदारो तस्वीर मेरी आदे महंगोदारों मोहनजोदारों में।
शहीर मेरी आ देख मोहनजोदारो में ये बिगड़ी हुई तस्वीर मेरी आ देख मोहनजोदारो में برہندگی اور مرد کے ظلم کی داستانیں مجھ سے اور نہیں سنی جا سکتی تمہارا نام آج سے افشا نہیں معصومہ ہے وہ معصومہ جو شبنم کی طرح پاکیزہ اور خوشبو کی طرح معطر ہے تم وہ معصومہ ہو جس پر گھر نہیں خاندان نسلیں نہیں آدمیت بلکہ انسانیت فخر کر سکتی ہے اس ظلم کے خلاف جو ہزار ہر سال سے مرد عورت پہ کرتا آیا ہے اس ظلم کے خلاف میں احتجاج کروں گا وہ عورت جو ہزار ہر سال سے رو رہی ہے اس کے آنسو میں پوچھوں گا وہ عورت جو ہزار ہر سال سے برہنا ہے اسے پاکیزگی کی سفید چادر سے میں ڈھانپوں گا اس چادر سے جو میری اور تمہاری ممی کے عبادت کا لباس ہے آصف تم سے شادی کرے گا معصوم یہ تم کیا کہہ رہے ہو آصف آصف بیٹا او مائی بھائی سوچو ایک بار نہیں ہزار بار سوچو میرج کا بنانا بہت آسان اس کا نبھانا بہت مشکل اس کا پہلا لائف اس کی پہلی زندگی گناہ کی نہیں مرد کے ظلم کا شکار تھی ممی اور اس کی آئندہ زندگی میری محبت کا ثبوت ہوگی ممی میں اسے آج ہی ابھی اور اسی وقت اپنے گھر لے جاؤں گا میں اس سے شادی کروں گا افشا کا شادی ہمارا بیٹی کا شادی اوہ ممی تو پاگل ہو رہا ہے افشا گاڈ کرائسٹ نے ہم کو پھاڑ نکل دیا ہم نے ہولی گاڈ کا جتنا عبادت کیا ہم کو سب ریٹرن مل گیا آصف بیٹا تمہیں اس کو لے کر جا رہا ہے تو اس کو خوش رکھنا ممی
हमको मालूम हमने बहुत छोटा बात किया है। ऐसे लड़की से जो शादी करना मांगता वो तो इसको खुश रखना मांगता, लेकिन हम भी तो इसका मम्मी है आखिर। हमारे पास अपशा के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मम्मी के पास। एक बात बोलो आसिफ बेटा, मम्मी कभी कभी इसको मिल सकता? मम्मी मम्मी मैं आज बहुत खुश हूँ मम्मी, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, बहुत खुश। तब फिर रोता क्यों है इडियट, जाओ जल्दी जाओ। और सुनो आसिफ इज अ ग्रेट मैन, ही इज लाइन, इसके हर ज्यादा पर स्माइल करना, अगर ये जान से भी मार दे फिर भी स्माइल करना। और जाओ जाओ जल्दी जाओ मम्मी, ऐसा काम में देर नहीं मानता, जाओ। गॉड ब्लेस यू। चलो मां क्या हुआ मां साहब? आसिफ बस एक खौफ सा महसूस हो रहा है, अनगिनत गुनाह और मेरा तारीक मस्जिद एक वजनी जंजीर की सूरत में मेरे पांव से जकड़े हुए हैं। इस नेक और पाकीज़ा दहलीज़ को पार करने की हिम्मत नहीं पड़ती आसिफ। मासूमा गुनाहों की जंजीर को सच्चाई की तलवार से काट दो, तुम्हारा तारीक माजी मेरे प्यार की शिद्दत में दफन हो चुका है। लेकिन देखो मुझसे एक वादा करो, जिंदगी भर झूठ नहीं बोलोगे, वादा करो मासूमा। सच्चाई का ये वादा तुम्हें वो हौलीस को पार कर सकोगे। मैं आदा। आदा आप कौन है? ये तुम्हारी भाभी है। भाभी? हाँ मैंने शादी कर लिया मासूमा से। भाभी मेरी प्यारी मासूमा, जितनी प्यारी शक्ल है नाम उससे भी प्यार, मगर भी ये चुपचाप शादी। सब कुछ बता दूंगा, अब्बा जान का है? वो अपने कमरे में, आइए चले उनके। नहीं तुम यहीं ठहरो, आओ मैं अब्बा जान से मिलूंगा। आओ आओ। आदाब। क्या बात है? अब्बाजान मैं आपसे किसी को मिलवाने आया। किसको? दरअसल अब्बाजान मैंने शादी कर ली। कर ली है? किसके साथ? मासूमा ऐसा नहीं हो सकता। और साला ये सुबह सुबह कौन आ गया मॉर्निंग डिस्टर्ब करने के लिए? कौन है? कौन है? ओह मम्मी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। हाउ जागीर? ओ मैं तुम सुबह सुबह क्यों? मैं वही, बहुत दिनों के बाद अपने शहर में आया था, सुबह ही सुबह तुम्हारी जरूरत पड़ गई। किधर पकड़ा गया? सिफारिश मांगता? और नहीं मम्मी नहीं, कहीं नहीं पकड़ा गया, कोई सिफारिश नहीं। ओ तुम्हारे पास एक लड़की थी ना अफशा? खबरदार जिसका नाम अपनी जबान पर लिया वो किसी का बीवी बन गया, किसी शरीफ आदमी का बीवी, और हम किसी शरीफ आदमी की बीवी को तुम्हारे जैसे बदमाश के मुंह से सुनना नहीं मांगता है। चलो गेट आउट, चलो निकलो, हम बोलते हैं निकलो। अरे आ गए हैं भाई, और अब जाएंगे भी नहीं मेरे से। ये झूठी तसल्ली भी शराब पी कर देते, इससे तो बेहतर था आप घर में रहते। आपको क्या पता इस घर पर क्या कयामत टूट गई है। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है, हम
कयामत को जुड़वा देंगे। डैडी, नाना जान मर गए। नाना जान मर गए? भाई बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही नेक बुजुर्ग थे, लेकिन हम पर जरा रोक टोक रखते थे। उरासी मामू की दुल्हन भी आ रही है डैडी। दुल्हन? कौन सी दुल्हन? ये कौन है? यही तो आसिफ मामू की दुल्हन है। ओ तो तुमने वाकई शादी कर ली? चुपचाप सी शादी? यूं लगता है जैसे तुमने अंधेरों से शादी की है। सफिया, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। आओ मसूम। मासूम, जहांगीर की बातों का बुरा मत मना, बदतमीज आदमी है और वैसे भी इस वक्त नशे में था। रिश्ते की नजाकत ने उसकी बुराइयों के सामने थर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। सफिया मेरी एक ही बहन है जो मुझे जान से भी प्यारी है, और मेरी बेबसी देखो मासूम कि मैं सफिया के दुखों का इलाज भी नहीं कर सकता। जहांगीर की ज्यादती को तुम भी सफिया के लिए बर्दाश्त कर लेना। ये सब कुछ तुम्हें बताना जरूरी था मासूम, इसलिए कि इस घर में सफिया की खुशियां मुझसे भी ज्यादा कीमती हैं। मासूमा, क्या सोच रही हो और क्यों सोच रही हो? आपके बन जाने के बाद कदम कदम पर अंदेशे और वसवसे महसूस होते हैं। मेरे माजी के भी तुम्हारा भी मेरी मोहब्बत में दफन हो चुका है। तारीख कल को भूल जाओ मासूमा, सिर्फ चमकते हुए आज को याद रखो। उधर देखो, मैंने सामने दरख्त पर तुम्हारा और अपना नाम लिख दिया। नाम लिखकर अपनी मोहब्बत का गवाह बनाया भी है तो बेजबान खामोश दरख्त को मेरी बेगुनाही और वफा का यकीन दिला ही नहीं सकता। मैं जो कहता हूँ बेगुनाह तुझे, मैं जो कहता हूँ बेगुनाह तुझे, किस लिए चाहिए गवाह तुझे, मैं जो कहता हूँ बेगुनाह तुझे। डूब
सकता नहीं कभी पानी, आग को हम जला नहीं सकते, शाख से फूल तोड़ सकते उसकी खुशबू चुरा नहीं सकते, कह रहे हैं बापा की राह तुझे किस लिए चाहिए गवाह तुझे, मैं जो कहता हूँ बेगुनाह तुझे। मेला हो झील का पानी, लाख मेला हो झील का पानी, चांद को दागदार कर न सके, खाक पर गिर पड़े अगर मोती, उसमें जो आग है वो मर न सके, जानती है निगाह तुझे किस लिए चाहिए गवाह तुझे, मैं जो कहता हूँ बेगुनाह तुझे। बावर्ची नाश्ता लगाए इंतजार कर रहा है। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, मैंने सोचा आपके तैयार होने तक कुछ देर धूप में बैठ जाए। जनाब ये तन्हा मौसम एंजॉय करना बहुत बुरी बात है, चलिए नाश्ता। ये आने वाला है जान से प्यारी मम्मी, तुम्हारी दुआओं ने मुझे अनगिनत सुख खुशियाँ और प्यार करने वाला शौहर दे दिया है, और अब तो मैं अपने जिस्म में एक ऐसी रोशन तब्दीली महसूस कर रही हूँ जिसने मुझे उस प्यार से आशना कर दिया है जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए था। बस बाहर के सोते हर तरफ फूट रहे हैं, लेकिन हर वक्त खौफ के डराने सारी जिंदगी के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। मेरा तारीख माजी किसी न किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं सामने आ जाता है तो मैं कांप जाती हूँ। तुम्हारी इबादत के सफेद लिबास की जो पाकीज़ा चादर मैंने ओढ़ी थी, दुआ करना वो मेरा कफन बन जाए। आसिफ तुम्हें सलाम कहते हैं। अब तो सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। दिलबर, तुम जेल से वापस आ गया? जी हाँ, आज ही सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा। फिकर मत करो, मम्मी तुमको फिर वापस भिजवाएगा। वापस भिजवा दो या गोली मार दो, बस मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं तो। नहीं तो क्या करेगा? जेल से आते ही सबसे पहले मैंने ये मालूम कर लिया है कि अफशान ने किसी आदमी से शादी कर ली है। अगर तुमने मुझे पैसे न दिए तो मैं अफशान के ससुराल वालों को उसकी सारी हिस्ट्री बता दूंगा। तुम अक्षय को बदनाम करेगा? ओ नो, नहीं, हम तुमको पैसा देगा, हम तुमको पैसा देगा। कितना पैसा चाहिए? 30 रुपए रोज। रोज मिलेगा तुमको, रोज मिलेगा। देखो तुम उधर नहीं जाएगा, प्रॉमिस, उधर नहीं जाएगा। आज मम्मी लाइफ में फर्स्ट टाइम ब्लैकमेल हुआ है, फर्स्ट टाइम। दो हफ्ते बाद ये लोग पहाड़ से वापस आए हैं, घर में आए 3 दिन हो गए हैं, ये लोग कमरे से बाहर नहीं निकले। लगता है दोनों का आपस में बहुत प्यार है। जी तो आपको इनके प्यार से क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, मुझे क्या तकलीफ, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी का मुकाम है। क्यों भाई फिर कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जाऊंगी,
सफिया भाई अपने भैया को समझाइए कि अपनी बीवी को फैमिली में रहने का मौका तो दें, आखिरी हम सबकी तो कुछ लगती है। जनाब मुझे तो इस बात की खुशी है कि शुक्र है आपकी सूरत घर में नजर आई। हम तो अब घर में ही रहा करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन तुम दोनों का प्रोग्राम? प्रोग्राम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा है। मैं कुछ दिनों के लिए कराची जा रहा हूँ और ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है। सूरत से अंदाजा नहीं होता। गुड गुड, जरा घर में रौनक रहेगी। हम अपनी भाभी को उदास नहीं होने देंगे भैया। गुड, आओ भाई, खुदा हाफिज़। खुदा आने की जरूरत कैसे हुई? मुझे कुछ रुपए चाहिए, रुपए। एक कौड़ी नहीं मिल सकती, और इस घर की पाकीज़ा फिज़ा तुम जैसे गलीज़ इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ, इन नौकरों से धक्के दिल पर बाहर निकाल दूंगी। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना अफशा, नाम घर और पेशा बदलने से पुराने रिश्ते टूटा नहीं करते। क्या बात है भाभी, इतनी उदास क्यों है? बात बहुत आसान है बेगम, नेक और वफा शुवार बीवियां खामिन के जाने के बाद उदास हो भी जाती हैं, और फिर इनका तो नाम भी मासूमा है। कितना अच्छा नाम रखा है आसिफ ने। रखा है क्या मतलब? मेरा मतलब यह है, प्यार से घर वाले बहुत से नाम रख देते हैं, मसलन डेजी, चांदनी, अफशां। अरे अरे बुरा मान गई, मैं तो आपको दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था। सफिया मनाओ इनको, ये रूठ गई हैं। भाभी इसमें नाराज होने की कौन सी बात? अरे साहब अगर नाराज हो गई हैं तो हम इनका दिल बहलाने के लिए सबको पिक्चर लिए चलते हैं। शुक्र है आज आपको घर वालों की खुशी का ख्याल तो आया। चलो भाभी जी, आप जाइए, मैंने आसिफ से पूछा नहीं था। जी सुन लीजिए। अरे मेरे साथ जाने के लिए आपको भैया से पूछना होगा। चल लेकिन वो क्या हुआ? चलो शाह तैयार हो जाओ, जाओ ना। अरे अरे ये तो अफशा है, वही आदमी। इसका मतलब है शादी किसी और के साथ और फिल्म अपने पुराने आशिक के साथ। अच्छा भाई शब बखैर, हमें तो नींद आ रही है। चलो भाई अब आप भी जाकर सो जाइए। अम्मी हमें नींद नहीं आई, हम मम्मी से फिल्म की बातें करेंगे। की बातें? क्या बातें करोगे? वो फिल्म के हीरोइन सारा रोते क्यों रहे मम्मा ने? उसका हीरो जो उसे छोड़कर चला गया था। जैसे मामू जान मम्मा ने जान को छोड़कर चला गया। बहुत शैतान है खाली, तुम्हारे दिल की बात कह दी है ना? हाँ अम्मी आपको नहीं पता, अभी मम्मा ने जान की आंखों से ये मोटे मोटे आंसू गिरेंगे, बार बार मामू जान का नाम लेंगे और फिर मामू जान आके कहेंगे चांदनी। चुप मत तमीज, तंग कर रहा है। मासूमा भैया वापस आने के लिए कब तक कह गए? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन जल्दी आ जाना चाहिए। Yeah.
खुली फिजा में आजाद उड़ने वाले पंछी पिंजरे में नहीं जा सकते। सफिया सफिया मासूमा कहाँ है? सफिया वो भैया हमेशा के लिए अपने घर चली गई। क्यों चली गई जी? तुम्हारे समझने के लिए यही बात काफी है आसिफ मियां कि ये तितलियों सी औरतें जिंदगी भर का साथ नहीं दिया करती। ये देखो यही लिखा है इसमें तुम्हारे नाम। मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ, मेरा पीछा मत करना। जो कुछ मुझ पर बीत चुकी है मुझे आसिफ को बता देना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, अपनी इज्जत लूटने के सदमे से आसिफ पागल हो जाएगा, वो जहांगीर को कत्ल कर देगा, सफिया बेवा हो जाएगी और आसिफ। नहीं नहीं, मुझे आसिफ को कुछ नहीं बताना चाहिए, उसे कुछ नहीं बताना चाहिए। अफ्या! तुम्हारा पैगाम मुझे मिल गया। कौन से ऐसे हालात थे जिनकी वजह से तुम उस इज्जतदार घराने को छोड़ने पर मजबूर हो गए? बताओ खामोश क्यों हो? तुमने वो घर हमेशा के लिए क्यों छोड़ा? कुछ ऐसे हालात थे जो मैं बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? बस अपनी अपनी मजबूरियां हैं आसिफ। मजबूरी नहीं, फितरत की आवारगी कहो। तुम्हें तुम्हारे गुनाह इस दुनिया में वापस ले ही आए हैं तो ये भी बता दो कि फिल्म देखने किस आसना के साथ गई थी? मेरी वफा का हिसाब पूछने वाले कमजोर और शरीफ इंसान, मैं जिस आशना के साथ फिल्म देखने गई थी वो भी तुम्हारी तरह शरीफ आदमी था। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत शरीफ आदमी से है। अपनी शराफत समेत इस घर से निकल जाओ आसिफ, इसलिए कि मैं आवारा हूँ, बदचलन हूँ और मेरा गुनाहगार घर तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम एक कारोबारी औरत हो, जिंदगी भर पेशावर रहोगी, इज्जत और शराफत की जिंदगी तुम जैसी औरतों को रास नहीं आ सकती, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अफशा, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। तुम्हारा मजहब में अगर मम्मी को माँ बोलता तो फिर कोई माँ शादी के बाद अपनी बेटी को वापस आने पर एक्सेप्ट नहीं करता। जाओ जाओ अक्षा, अपने घर जाओ। हस्बैंड का घर औरत का जन्नत है और उधर ही तुम्हारा कमर बनेगा। योर हस्बैंड इज योर गॉड और तुम अपने गॉड को छोड़कर इधर आ गए। इडियट, इधर तुम्हारा एंट्री बैन है, मम्मी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो भी एक्सेप्ट नहीं करता इसलिए कि मैंने अपना आप बेच दिया है। अपना आप बेचती हूँ, पेशावर होना। और क्या बकवास करता है अफशा? ठीक ही तो किया है उसने, मुझे तलाक दे दी है, अच्छी बात है ना? ओह शट अप, ऐसी बात मत बोलो, हमारा दिल कटता है। दिल कट कर खून निकलता है मम्मी, लेकिन तुम्हारा भी नहीं निकला और मेरा भी नहीं। तुम पेशावर हो ना? तुम हमको पागल लगते हो, जरूर कोई गलत फहमी है। हम तुम्हारे हस्बैंड से खुद बात करेगा, हम खुद जाकर बात करेगा उससे। चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हम अपने घर को नापाक और गुनाहगार लोगों से पाक कर चुके थे, तुमने यहाँ आने की जुरत कैसे की है दलाला? तुम हमको 100 बार दलाला बोलो मगर हमारे बेटी को डाइवोर्स मत करो, अफशा तुमको प्यार करता। तुम जरूर किसी गलत फहमी का शिकार है मैम, अफशा बिल्कुल इनोसेंट है, डाइवोर्स का सुनकर पागल हो गया है। उस जलील और पस्त की हिमायत में बोलने वाली बच्चलन औरत, वो अपने गुनाहों का एतराज मेरे सामने कर चुकी, वो क्या पागल होगी? उसकी आवारगी ने बहुत से लोगों को पागल किया होगा, घर उजाड़े होंगे, खानदान तबाह किए होंगे उसने। तुम अपना भाई को समझाओ, तुम तो एक औरत है बेटी। खबरदार, जो मेरी बहन को बेटी कहा, वापस लो ये लफ्ज। जिसे तुम बेटी कह दो वो औरत जात के लिए जिल्लत का निशान बन जाती है। तुम मम्मी नहीं, इस शहर के सीने पर बहता हुआ वो गटर हो जहां सारे शहर की गलाजत आकर मिल जाती है। जाओ, चली जाओ यहां से, तुम मुझे अपनी पाक दामनी का कोई सबूत नहीं दे सकते। आसिफ, हमने तुमको बेटी दिया, तुमने हमको गाली दिया, हमने तुमको बेटा बोला, तुमने हमको गटर बोला। हमने ये भी सोचा परफ्यूम लगाना बहुत आसान, बट गटर में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल।
हम अगर गटर नहीं बनता तो तुम लोगों का गंदगी किधर जाता? सब इधर उधर तुम्हारा बड़ा बंगला में पहन जाता। तुमको और कुछ नहीं पूछना मांगता, हमको सिर्फ ये बोलो तुमने आसिफ के सामने अपना कौन सा गुनाह माना है? बोलो बेबी, आसिफ जो तुमको एक मासूम लड़की समझ कर ले गया था, आज तुमको गुनाहगार कैसे बोलता है? क्यों बोलता है बेबी? बोल दो बेबी, वो झूठ बोलता है। झूठ नहीं, उसने सच कहा है। ओ नो नो, ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलने दो मम्मी। हम पेशावर औरतें रास्ते का वो पत्थर होती है जिनके नसीब में सिर्फ ठोकरें ही लिखी होती है। हमें शरीफ बनने और इज्जतदार कहलाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। ये आरज़ू हमारे लिए किसी अंते का ख्वाब है मम्मी। बस पेशावर थे जिसम बेचते थे और शोहर के घर भी किसी ने बाजारी माल समझकर इज्जत लूटी। ये क्या बोला बेबी, किसने तुम्हारा इज्जत लूटा? उसी शरीफ और खानदानी आसिफ की बहनों ही ने। फिर वो तुमको गुनाहगार कैसे बोलता? सब गुनाह उन शरीफ लोगों का है। हम उनको जाकर बोलेगा गंदा आदमी हम लोग नहीं है, वो खुद है। नहीं मम्मी, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। सफिया बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद करती हो? जिसम बेचने वाली अफशा को शरीफ घराने पर एक एहसान तो रहने दो। बेबी तुम खामोश रहोगी मम्मी, तुम्हें अपने होली क्राइस्ट की कसम, तुम्हें अपनी बेबी अफशा की कसम। ओ बेबी, यस यस नर्स बेटी बेटी। ओ थैंक गॉड, आज मम्मी ग्रैंड मदर बन गया। हमारा बेबी ठीक है? बोलो नर्स, हमारा बेबी ठीक है? सॉरी मम्मी, शी इज डेड। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलो। अच्छा, ओ बेबी, और तुमने क्या किया बेबी? अपना मम्मी को दुनिया में अकेला छोड़ दिया, अब तुम्हारा मम्मी इधर अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। अच्छा मम्मी, डॉक्टर तुमने हमारा बेबी को मारकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अफशा के बगैर हमारे इस दुनिया में कोई नहीं। तुमने हम पर बहुत बड़ा जुल्म किया डॉक्टर, जुल्म किया है। हमने बहुत कोशिश की थी मम्मी, लेकिन जिंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक बोलते हैं। हॉस्पिटल में हमने तुम्हारा खुदा को और अपना गॉड को हेल्पलेस पाया। कौन मरता है कौन जीता है कुछ देखता ही नहीं सुनता ही नहीं। हौसला कीजिए मम्मी, इस बच्ची की खातिर जिसका आपके सिवा कोई नहीं। बेबी, हमारा अभिषेक का बेबी, आपकी बेटी की बच्ची को आपकी झोली में डाल रही हूँ इस उम्मीद पर कि ये आपके सहारे जिंदा रह सकेगी। इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए तो प्रॉफिट को कौन पूछता है डॉक्टर? अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट था और ये उसका प्रॉफिट। किसी और का बेटी, मम्मी का बेटी तो मर गया, मम्मी का बेटी मर गया, मम्मी का बेटी मर गया। एक बार तुम्हें इस घर से निकाला था, यहाँ क्या लेने आई हो? हम इधर से कुछ लेने को नहीं, कुछ देने को आए हैं मैम। हमारा अफशा मर गया है। आसिफ, तुमको अपना खुदा का वास्ता, अपने बेटे को ले लो, बाप के पास रहेगा। मैं इसका बाप नहीं हूँ दल्लाला, ये मेरी बच्ची नहीं है। आसिफ ऐसा मत बोला, ऐसा मत। मैं बोलूंगा और इतने जोर से बोलूंगा कि इस शहर का हर इंसान सुन ले और देख ले। एक बच्चलन औरत से शादी करने का अंजाम ब्लैकमेलिंग होता है। लेकिन तुम, मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, इसलिए कि ये मेरी नहीं गुदास की बेटी है, आवाज की बेटी है। तुम लाख कोशिश करो लेकिन गरजत का ये बदनुमा दाग हमारे उजले दामन पर नहीं लग सकता। चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल। खुदा को बताएंगे कि खूब दुनिया का कितना भयानक रूप देखा है। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन ये इलाज के लिए नहीं मानते। आप इन्हें समझाएं, मामूली ऑपरेशन से इनकी बिनाई ठीक हो सकती है। भैया,
जब इन अंधेरों का इलाज बस में पट्टी खुलने के बाद मेरे भैया की आंखें ठीक हो जाएंगी ना। सफिया, हिस्ट्री के नीचे अंधेरे की एक और मजबूत सफिया, इलाज गम का ना हो सका तो आंखों के इलाज से फायदा। हमारी किस्मत में सदमे और अंधेरे ही लिखे और इन अंधेरों ने पक्का बिजनेसमैन है, हमसे क्लियर कट बात करो। सेठ, तुम हमारा अच्छा कस्टमर है, हम परमानेंट काम तो चल ही रहा है, परमानेंट अरेंजमेंट किस लिए? हमारा जरूरत कुछ ऐसा है। अच्छा, अपना प्रोपोजिशन बताओ। नाइट क्लब खोलेगा, मेहनत हम करेगा, पैसा तुम्हारा लगेगा। नाइट क्लब, वेरी गुड। यस, नाइट क्लब, तुम्हारा नाइट अच्छा गुजरेगा, हमारा डे अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल ठीक है मम्मी, नाइट क्लब जरूर खुलेगा, जहाँ हर शाम को एक नया सितारा चमकेगा और हर रात को एक नया चांद। मुझे तुम्हारा अरेंजमेंट मंजूर है। थैंक यू सेठ, थैंक यू। For me. It's for you. For me? Yes. Oh,
हमारा बीबी फर्स्ट आया और नया क्लास में प्रमोट हो गया। ए मैनेजर। यस मम्मी। 3 दिन का वास्ते ये क्लब बंद रहेगा क्योंकि हमारे एब्सेंस में पुलिस वाला और मवाली लोग गड़बड़ करेगा। और सेठ को बोल देना हम अपने बेबी के पास हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। राइट मम्मी। और 3 दिन में फिक्र मत करो। राइट मम्मी। थैंक यू। बाय। खाती सड़क पर यह बारिश और धूप की आंख मचोली यूं लगता है जैसे दो प्यार करने वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी तो मुझसे हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो और मुझे ये तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन फिर भी तेरी आंखों की सेवा दुनिया में रखा क्या है। वो देखो उस तेज रफ्तार नदी के पास तुम्हारी झील जैसी आंखों की गहराई नहीं है तारा, इसलिए तुमसे खौफजदा होकर तेज तेज भाग रही है। तुम भी तो गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, तुम किसे डरकर भाग रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे सिवा और किसी से नहीं डरता। क्यों? मैं इतनी भयानक हूँ, इतनी बदसूरत हूँ। गाड़ी रोको फौरन। चल गया पता। किस बात का? मेरी तारीफ लिए कर रहे थे कि एंड में मुझे हूट करोगे भयानक बनाकर। तुम तो हर बात का मतलब उलट लेती हो। पागल हूँ, क्रैक हूँ, इसलिए। अब हर बात का सबूत तुम खुद ही दे रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ से जा तो सकते हो ना। बस चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। अरे सुनो तो। नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अब सुलह भी नहीं होगी, पक्की लड़ाई है। लड़ाई है तो लड़ाई से ही। मैं तुम्हारी भी कुछ जानते नहीं करूंगा। जाओ। मम्मी। ओ तारा डार्लिंग। Oh my baby. हम बहुत देर से इधर तुम्हारे इंतजार करते हैं। मैं पास होगी मम्मी, एकदम क्लास में टॉप किया। Oh thank God. मेरे लिए चॉकलेट और टॉफी नहीं लाई मम्मी। I'm sorry darling. चॉकलेट नहीं लाया, बट इस दफा हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रेजेंट लाया। हम तुम्हारे लिए कुरान लाया, योर होली बुक। लाइफ में जब कभी कोई प्रॉब्लम आए बेबी, हम जानता इसको पढ़ने से बहुत पीस मिलता। ओ मम्मी, तुम कितनी अजीम हो। टेक इट बेबी, इसको अपने सीने से लगाओ, इसको चुमो और फिर अलमारी में रखो। सोचता बेबी? कुछ नहीं मम्मी, मेरी तालीम खत्म हो जाए तो मैं तुमसे मुलाजमत छुड़वा दूंगी। मुलाजमत? कैसा बात बोलता बेबी, हम ये मुलाजमत अपना खुशी से नहीं करता, मगर जरूरत के लिए सब कुछ करना पड़ता बेबी। जिस सेठ के पास हम नौकरी करता वो बहुत अच्छा आदमी है, हम सिर्फ उसका स्टाफ का देखभाल करता, कैटरिंग जॉब। अब हम चलता बेबी, हमने तुम्हारा हॉस्टल का खर्चा जमा करा दिया और ये थोड़ा सा पैसा तुम रख लो। ठीक है। एक आदमी रुक जाओ मम्मी। पास इतना छुट्टी था डार्लिंग। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। बॉयज एंड गर्ल्स, ये नोट्स कॉपी कर लो। इंसानी जज्बात और महसूसात की कदर करना और आपस में मिल बैठने का तरीका एक साइंस है जो सोशियोलॉजी कहलाती है। इतनी ही जिद्दी हो तो ये बेंच छोड़कर कहीं और बैठ जाओ। मैं क्यों जाऊं? तुम ये जगह छोड़ दो। मैं छोड़ने पर आया तो शहर छोड़ जाऊंगा। मुझे
मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपनी हट कितनी पक्की हो तो मेरी बात का जवाब क्यों दिया था? पहले तुमने बात करने की कोशिश की थी। मैं ये बातचीत हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। मैं खुद इस लड़ाई और तुमसे बेजार आ चुकी हूं। तो बस फिर फैसला हो गया, मैं खुदकशी कर लूंगा। पैड और ट्रॉफियां दे दीजिए। स्लीपिंग पिल्स दीजिए। बस आज शाम 4 बजे तक लवर्स लेन में इंतजार और जिंदगी की आखिरी घड़ी। बस आज शाम 4 बजे तक लवर्स लेन में इंतजार और जिंदगी की आखिरी घड़ी है। मरने को मर जाते हम ये काम कर जाते, एक भोली लड़की का सवाल आ गया। मरना था मर जाते दुनिया में नाम कर जाते। जान लुटाने से कब डरता है, लेकिन तुम दीवाने हो परवाने नहीं। अब तक मेरे प्यार को तुम पहचाने नहीं। मर के भी जिंदा हो तुम भी अजब तमाशा हो। मर के भी जिंदा हो तुम भी अजब तमाशा हो। किससे सीखा कैसे ये कमाल आ गया। मरने को मर जाते हम ये काम कर जाते, एक भोली लड़की का सवाल आ गया। मरना था मर जाते दुनिया में नाम कर जाते। ऐसा भी कोई दिन होगा
जिस दिन हमारी लड़ाई न होगी। रंग नहीं बदलेगा जब तक दिलों की सफाई न होगी। मुझसा तुमको ढूंढे से मिलेगा नहीं। कैसे तुम्हारे प्यार का आए मुझको यकीन। तो हम प्यार करें शादी का इकरार करें। आओ हम प्यार करें शादी का इकरार करें। झगड़ा करते करते चौथा साल आ गया। जब हर लड़ाई का अंजाम सुलह होता है तो फिर हम क्यों लड़ते हैं? वैसे लड़ाई की इब्तिदा हमेशा तुमसे होती है और सुलह की कोशिश मेरी तरफ से। चलो इस बार सुलह की कोशिश मेरी तरफ से होगी। बोलो मंजूर है? अल्लाह तुम्हें अपनी कोशिश में कामयाब तो करेगा। पहले ये तो बताओ वापसी कब होगी? हॉस्टल का गेट बंद होने में बहुत देर है। मैं हॉस्टल गेट का नहीं तुम्हारे मामू का सोच रही हूँ। आज उन्होंने भी तो आना था। अरे गजब हो गया, मामू जान तो कब के आ गए होंगे। सफिया जी। भैया बहुत देर हो गई, खालिद अभी तक नहीं आया। उसके कॉलेज या हॉस्टल फोन करो, कहीं दोस्तों में ना बैठा हो। पहले दो बार फोन कर चुकी हूँ, वो हॉस्टल में भी किसी दोस्त के पास नहीं है। फिर कहाँ चला गया? आ गया खालिद। आराम जी। देर आराम मामूजान। खालिद कहाँ चला गया था, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी वो हॉस्टल के कुछ क्लास फेलो थे उनके साथ बैठा था। झूठ बोलते हो, हॉस्टल के तमाम तालिबे इल्म अपने कमरों में थे। तुम किसके साथ थे? जी वो दरअसल मामूजान। किस जगह थे? जी वो है ना दरख्तों में एक पहाड़ी और बलखाती सड़क। लवर्स लेन? जी जी हाँ मामू जान। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। लवर्स लेन और क्लास फेलो। खालिद हम तुम्हारी क्लास फेलो से मिलना चाहते हैं। जी जी बेहतर मामू जान, मैं तो खुद बड़ी आरजू थी कि आप उसे मिले। बड़ी अच्छी लड़की है, अपने क्लास में टॉप किया उसने। ठीक है आप गए तो कल सुबह, बल्कि अभी ले आता मामू जान। क्यों मैं जान ठीक है ना, अब तो बाबू जी ने भी कह दिया और इनके बांधना बहुत जरूरी हो गया। बहुत शैतान हो गया है। आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। तारा जल्दी से आ जाओ। जब मैं घर पहुंचा मामू जान और अमीजान पहुंचे हुए थे। अच्छा अंकल आ गए? हाँ वो तुमसे मिलना चाहते हैं, अब काम बन जाएगा। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है खालिद, पहले ही देर से आने पर वार्डन ने वार्निंग दी है और फाइन कर दिया। फाइन से डरती रहोगे तो मामू जान चले जाएंगे, फिर काम बहुत लंबा हो जाएगा, न जाने फिर कब आए। अच्छा हाँ मैं आती हूँ। चलो चलो। ये तारा मामू जान मेरी क्लास फेलो, आपकी हुक्म की तामील में फौरन आ गई, यही आपसे मिलना चाहती। हम अक्सर आपकी बातें करते रहते हैं अंकल, क्लासरूम में भी। खालिद ने मुझे आपकी बहुत सी बातें बता रखी हैं, इतनी बातें कि लगता मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। सच आपसे मिलने को बहुत दिल चाहता था, आपने बहुत अच्छा किया जो आ गए। आपका घर तो बहुत प्यारा है अंकल, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। खालिद कहता था आप मुझे नापसंद करेंगे, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमसे इतना प्यार करते हैं तो मुझसे क्यों नहीं करेंगे। क्यों अंकल मैंने गलत तो नहीं कहा? मुझे पता है आपकी मर्जी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। टॉफी खाएंगे अंकल? खाएंगे बेटे। तेज चलने और तेज बोलने से इंसान गिर जाता है, चोट लग जाती है। जी जी हाँ अंकल, दरअसल मेरे जहन में इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी, समझ में नहीं आता था क्या बात करूं। आप तो समझ गए होंगे ना? हम सब कुछ समझते हैं बेटे, वो कुछ भी जो तुमने नहीं कहा। बेटी जिंदगी के रास्तों पर बहुत देखभाल कर चलना चाहिए, गिरना बहुत आसान है लेकिन गिरकर संभलना बहुत मुश्किल है। लकड़ी की बेजान छड़ी
इंसान का सहारा बन सकती है, लेकिन इंसान इंसान के लिए कुछ नहीं करता। जी जी हाँ अंकल, लेकिन आप तो हम दोनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते, तुम बात को बहुत आसान बनाकर करती हो, ये बात हमें अच्छी लगी। थैंक यू अंकल। देखा खालिद, मैंने गलत तो नहीं कहा था। खालिद, अपनी क्लास फेलो को लेकर आए हो तो उसके लिए चाय भी मंगवा लो ना। जी मंगवाता हूँ मामूजान। और ये सफिया न जाने कहाँ चली गई। सफिया, तारा है मेरी क्लास फेलो और ये मेरी अम्मी तारा। आदाब आंटी। तारा ने आपको आदाब किया जान? आदाब। क्या बात है सफिया, तारा को देखकर तुम हैरान सी हो गई। जी कुछ नहीं भैया, बस वो तारा की शक्ल से मुझे एक लड़की देखी थी। कहाँ देखी थी आंटी? बिल्कुल मुझे ऐसी। कमाल है अंकल, भला एक सूरत के दो इंसान हो सकते हैं? हो सकते हैं, जब ही तो इंसान धोखा खाते हैं बेटी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम शक्ल होकर भी दो इंसानों की सीरत एक रहे। वही सूरत। हाँ बेटी, दो चार रोज रहेंगे। दो चार तक ये इतनी तल्ख और मुश्किल है बेटी कि हमें रोशनी अच्छी नहीं लगती। हम इन अंधेरों के आदि हो गए, इसी में सुकून मिलता है। हो सकता है आप ठीक कहते हो, लेकिन मुझे तो ये बात कुछ गलत सी लगती है। हमें तुम्हारी बेसाख्ती अच्छी लगी बेटी। खालिद। जी बाबूजान। तारा बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू बाबूजान। अच्छा चलो चलो तारा, कहीं हौसले से देर ना हो जाए। अब इजाजत दीजिए अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल आऊंगी अंकल। अच्छा बेटी। बड़ी लंबी गप लगाई है मामू जान के साथ, हॉस्टल के बहाने उठा के न लाता तो। सच वहाँ से आने को जी नहीं चाहता था। वैसे तुम्हारे मामू जान इंटेलिजेंट है खालिद, प्रोफेसर बाकर से भी अच्छी बातें करते हैं, ऐसी मुश्किल मुश्किल कि उन्हें समझना पड़ता है। ज्यादा शोक मत बनो, शुक्र करो उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया है। वरना वरना क्या होता? अगर वो तुम्हें ना पसंद करते तो मैं उनके फैसले के सामने कुछ ना बोलता। ये बात है, तुम इतने घूंघे और बुजदिल हो। अंकल ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। तुम बहुत बोगस आदमी हो, मैं अंकल को सब कुछ बता दूंगी। अरे सुनो सुनो तो। तारा की बातों में इतनी बेसाख्ती और सादगी है सफिया कि हमें तो वो कोई गुड़िया सी चीज लगती है। जी जी। और बहुत इंटेलिजेंट है, खालिद बता रहा था उसने अपनी क्लास में टॉप किया है। जी। वैसे खालिद की पसंद अच्छी है ना सफिया, तुम्हें तारा पसंद आई? आप अपनी राय बताइए भैया। हमें तो प्यारी लगी है, क्यूट सी मासूम सी लड़की है, और खालिद भी उसे बहुत प्यार करता है। खालिद पर इतना भरोसा मत कीजिए भैया कि वो अपनी जिंदगी का फैसला ठीक ही करेगा। क्या मतलब? लड़की का खानदान और घर बार देखे बिना आपने उसे बहू बनाने का फैसला किया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। आपने खालिद को बाप बनकर पाला है, आप जो फैसला करेंगे ठीक होगा। नहीं नहीं सफिया, ये बात नहीं है, शादी का फैसला तो घर वालों की राय से ही होगा। वैसे तारा अच्छी लड़की है, हम उसकी दिलजोई के लिए उसके फर्स्ट आने पर उसे कोई तोहफा देना चाहते हैं। होली क्राइस्ट, हम उस दिन खुश होगा जिस दिन हमारा बेबी अपना फैमिली में एक्सेप्ट होगा और उसका फादर बोलेगा ये गुनाह का बेटी नहीं हमारा बेटी है। बस उस दिन तक जिंदा रहने का मार्जिन मांगता, इतना टाइम मांगता कि हमारा बेटी का डोली नाइट क्लब से नहीं उसके फादर के घर से उठे, उसके फादर के घर से उठे। अंकल, अंकल कहाँ है आप? आंटी, अंकल कहाँ है? कमरे में। तारा सुनो,
भी आई आंटी, मैं अंकल के प्रेजेंट लेकर आई हूँ। उनका प्रेजेंट दिया, फिर आकर आपकी बात भी सुनूंगी। सलाम अंकल। सलाम अंकल, मैं आपके लिए प्रेजेंट लेकर आई हूँ। बहुत खूबसूरत स्टेज, सफेद दस्ते वाले, ये देखिए। सफेद दस्ते की स्टिक, अजीब इत्तेफाक है, लेकिन तुम्हारे दिल में हमारे लिए तोहफा लाने का ख्याल कैसे आया? क्यों, बुरी बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। तोहफा तो इंसानी जज्बात की तर्जमानी करता है बेटी, मगर हमने भी तो तुम्हारे लिए तोहफे मंगवाए हैं। ये देखो टॉफी। आप बहुत स्वीट हैं। और ये सफेद पुलोवर है। ये किताब कहाँ गई? ये है अंकल, जीने गिरा, बहुत अच्छी किताब है अंकल। हाँ बेटी, न जाने हमारा जी क्यों चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी की राह में कोई मुश्किल ना आए, और अगर आ भी जाए तो मैं एकदम से आकर आपसे पूछ लिया करूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। आप तो बहुत अकलमंद हैं, हर एक मुश्किल का हल जानते हैं। नहीं बेटी नहीं, कुछ मुश्किलें ऐसी भी हैं जिनका हल आज तक नहीं मिल सका। कौन सी मुश्किल अंकल, मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। छोड़ो इस बात को, आज तुम अकेली आई हो, खालिद कहाँ है? होगा कहीं अपने काम में मसरूफ। अपने काम में मसरूफ? तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो? नहीं अंकल। हमसे झूठ बोलती हो? अच्छी लड़कियां बड़ों से झूठ नहीं बोला करती। वो बहुत बोगस बातें करता है अंकल, कहने लगा अगर आपने। क्या कहने लगा बताओ। छोड़े अंकल, एक आधी लड़ाई रहेगी तो खुद सुलह हो जाएगी। अरे आपके सब कपड़े बिखरे पड़े हैं, ये घर के लोग आपके काम भी ठीक से नहीं करते। नहीं, हम दरअसल तुम्हारा पुलोवर तलाश कर रहे थे। फिर भी खोई हुई चीजें आप क्यों तलाश करते हैं? आप जब तक यहाँ हैं, आपके सब काम कॉलेज आकर मैं कर दिया करूंगी। अच्छा, और हमारे शहर वाले घर में काम कौन करेगा? आप कहेंगे तो मैं कॉलेज छोड़कर आपके सब काम करने शहर चली आऊंगी। हाँ, अब ऐसा हो ही जाना चाहिए। क्या कहा अंकल? कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ खालिद को बुला कर लाओ, आज हम तुम्हारे साथ शहर को चलेंगे। मैं जब से आई हूँ खालिद घर में नजर ही नहीं आया। जाओ देखो, वो बराबर वाले कमरे में होगा। क्या बदतमीजी है ये? बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, क्लास में फर्स्ट मैं हूँ और तुम बेकार में पढ़ाई करते हो। बहुत लायक हो तुम, जानता हूँ मैं। ऐसी नालायक भी नहीं, ज्यादा रो मत दिखाओ, अंकल से मेरी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं रही। किस बात की सिफारिश? भाई इस बात की कि उनकी मर्जी के बगैर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कौन सी बात, कैसी बात? तुम तो मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो। वो कल की बात, आज एक्सेप्ट कर सकती हूँ, आखिर मेरी भी तो कोई मर्जी है, मैं भी तो इंसान हूँ। अब ज्यादा ना बनो, अंकल ने तुम्हें बुलाया है, वो हम दोनों के साथ घूमने जाएंगे। तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। खालिद, आया मामू जान। आया मामू जान। इरशाद मामू जान, ये आने से इनकार कर रहा था, ये डांटी है, पहले दिन मुझे मुअद्दब होने को कहता था, आज मैंने आपका नाम लिया, सैर का बताया तो कहने लगा तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों खालिद? जी नहीं मामू जान, वो तो मैंने। चलो तुम दोनों आपस में सुलह करो, चलो। लड़ाई झगड़ा इंसान की जिंदगी को दीमक की तरह चाट जाता है, जीत हमेशा प्यार की होती है, प्यार की। सुन लिया ये सब बातें अंकल, तुम्हें समझा रही हैं? आगे मत दिखाओ खालिद। अरे अंकल आप देख सकते हैं? देख नहीं सकते, महसूस तो कर सकते हैं। आप चलिए। कहता हूँ बेगुनाह तुझे किस लिए चाहे गवाह तुझे, मैं जो कहता हूँ बेगुनाह तुझे। क्या हुआ मामू जान? कुछ नहीं हुआ बेटे। खालिद बेटे, ये जगह बहुत अच्छी है, इसीलिए तो यहाँ की फजा और हवा में
मोहब्बत की चाशनी और खुशबू है। यहां लोग आते हैं और सदा साथ रहने के वादे करते हैं, लेकिन उनमें से कई जिंदगी भर के लिए बिछड़ जाते हैं। खालिद बेटे, यहां करीब एक बड़ा सा दरख्त है। जी मामू जान। तुम लोग खामोश क्यों हो गए बेटे, क्या बात है? इस दरख्त पे कुछ नाम लिखे हुए हैं मामू जान। बेटे, दरख्तों पर सिर्फ नाम लिखने से मोहब्बत कायम नहीं रहती, ये एक दूसरे पर एतमाद करने का नाम है। बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त करना, एक दूसरे की ज्यादती पर उफ न करना, इसी का नाम मोहब्बत है बेटे। और जिंदगी सिर्फ वफा और मोहब्बत के सहारे गुजर सकती है, वफा और मोहब्बत के सहारे। अंकल, आप मेरी एक बात मानेंगे? हम तुम्हारी हर बात मानेंगे बेटी। तो फिर अपनी आंखों का इलाज करा लीजिए ना। कराएंगे तारा, जरूर कराएंगे। ओह वंडरफुल मामू जान। जाने क्यों आज ये महसूस करते हैं कि ये दुनिया पहले की तरह भयानक नहीं रही। दिल कहता है प्यार की रानाइयां और रंगीनियां फिर लौट आई हैं। इन बेनूर आंखों को रोशन देखने की तमन्ना तारा बेटी को देखने के लिए है। खालिद, हम इसे देखना चाहते हैं, तुम दोनों की शादी से पहले। खिलौना और तेरा प्यार है चाबी, मेरा दिल है एक खिलौना और तेरा प्यार है चाबी। दिल का खिलौना चाबी मांगे, इसमें क्या है खराबी? मेरा दिल है एक खिलौना और तेरा प्यार है चाबी, मेरा दिल है खिलौना और तेरा प्यार है चाबी। ऐसी नजर से मुझको न देखो, बढ़ती है बेदारी। मेरा दिल है एक खिलौना और तेरा प्यार है चाबी। कहीं लगता नहीं है, तूने कैसा जादू जगाया। दिल कहीं लगता नहीं है, तूने कैसा जादू जगाया। पढ़ा नहीं कॉलेज में मैंने, तूने सब कैसा पढ़ाया। ये है चाहत का असर, इसमें मेरा क्या कमाल, नहीं तुझसे कुछ जुदा, मेरे साथ ही मेरा हाल। आंखें हर पल देखना चाहे ये रुखसार गुलाबी। मेरा दिल है एक खिलौना और तेरा प्यार है चाबी, मेरा दिल है एक खिलौना।
कभी तेरे चेहरे की किताब, मेरी आंखों में खिले तेरी चाहत के गुलाब। बात न कीजिए शायरों जैसी, लोग कहेंगे शराबी। ओ मेरा दिल है एक खिलौना और तेरा प्यार है चाबी। दिल का खिलौना चाबी मांगे, इसमें क्या है खराबी। मेरा दिल है एक खिलौना और तेरा प्यार है चाबी। मेरा दिल है एक खिलौना। तो यहाँ आए बहुत दिन हो गए, वापस ना चले भैया। क्या बात है सफिया, तुम जब से आई हो कुछ परेशान सी हो। बस हर वक्त दिल टूटता है, अंदेशों से लगा रहता है, जाने क्या हो जाए। क्यों, ऐसी क्या बात है भाई? हैरत है, हमारे दिल को बरसों बाद सुकून मिला है और तुम्हारी अम्मी परेशान है खालिद। क्यों सफिया, देखो तारा कितनी अच्छी लड़की है, इसने हमें काफी पिलाई है, हमारे लिए तोहफा लाई थी ये खूबसूरत सी छड़ी, और इसके अलावा इसने इसरार किया है कि हम आंखों का ऑपरेशन करा लें। जैसे हमारी बिनाई की हमसे ज्यादा इसको जरूरत है। बिल्कुल अंकल, आप वादा करें पट्टी खुलते ही सबसे पहले आप मुझे देखेंगे। हाँ बेटी, पट्टी खुलते ही सबसे पहले तुम्हें देखेंगे। खुदारा इन सब बातों को छोड़कर वापस चलिए भैया। अरे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, एक दो रोज और बारे में भी तो पूछना है, और फिर तुम्हारे कहने के मुताबिक तारा से इसके वालिदैन। बताओ तारा, मामूजान तुम्हें डैडी और मम्मी का पूछ रहे। मम्मी तो जब मैं पैदा हुई थी मर गई थी। और तुम्हारे डैडी? किरण मदर ने बताया था किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए। कितना जालिम और संगदिल बाप है कि कभी भूलकर भी अपनी बेटी को याद नहीं किया। उनका नाम क्या था तारा जी? आसिफ। कितना अजीब इत्तेफाक है, नाम हमारा भी यही है, लेकिन तारा बेटी हम इतने संगदिल और जालिम नहीं है। तुम्हें देखा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो और मुनासिब समझो। डैडी, डैडी। अरे बेटी, इसमें रोने की कौन सी बात है, ये बिछड़ने वाले रिश्ते आर्जी तौर पर वक्त की ज्यादतियों और जुल्म की वजह से बदल जाते हैं। बेटे, आज तुमने हमें डैडी कहा है तो हमें यकीन है कि आज किसी न किसी बहाने तुम्हारे बाप का दिल जरूर तड़पा होगा, उसे की याद जरूर आई होगी। जरूर आई होगी बेटे। मैं और खालिद हम दोनों क्लास फेलो हैं मम्मी, और एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं। आप सोचती होंगी क्यों, अगर आप मुनासिब समझे तो आपको उन लोगों का एड्रेस भेज दूं, आप उनसे आपकी बेटी तारा। इडियट, लव मैरिज करना मत, मम्मी का मिशन स्पॉइल करने के लिए। हम उसको बताएगा इसका अल्टीमेट गोल क्या है। तारा की शादी मम्मी डिसाइड नहीं कर सकता, उसका बाप डिसाइड करेगा, जैसा शरीफ लोगों में होता। मम्मी की लाइफ में मम्मी का मिशन फेल नहीं हो सकता। मम्मी, तुम कैसे आई हो मम्मी? पहले तुम हमको ये बताओ कौन लड़का है वो, हमको उसका नाम बताओ, उसका फैमिली बोलो,
मैं इससे नहीं करेगा, किसी और अथॉरिटी की इजाजत से करेगा। तुम हमारा सारा प्रोग्राम खराब करना मानते हो इडियट। तुम खुद उससे मिल लो मम्मी। हम नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा? हम उसका फैमिली बैकग्राउंड देखेगा। बोलो कौन है वो? वो खालिद है। कौन खालिद? बहुत बड़ी फैमिली से, उसके मामू का नाम आसिफ। कौन आसिफ? लाहौर में बहुत बड़ी रबर फैक्ट्री है उनकी, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और उनके भी हैं बेचारे। दैट ब्लाइंड आसिफ, रबर फैक्ट्री वाला, ये उसका बांझ है? हाँ मम्मी, बहुत अच्छे लोग हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मम्मी का मिशन पूरा हो गया, हमारा गॉड ने इंसाफ कर दिया। बताओ मम्मी, उनसे मिले जाओगी ना? ओ नो नो बेबी, हमारा मिलना उनसे ठीक नहीं है। तुम उनको बोल दो डार्लिंग कि हमारा ग्रैंड मदर मान गया, ये सब कुछ बहुत अच्छा वाला है, बहुत अच्छा वाला है। अच्छा डार्लिंग, कांग्रेचुलेशंस बेबी, आज तुम्हारे साथ होने वाला जाति का इंसाफ हो गया, तुम्हारा बेबी तुम्हारा फैमिली में एक्सेप्ट हो गया, तुम्हारा फैमिली ने उसको कबूल कर लिया, मगर हमने उनको मिलने से इनकार कर दिया, हमारा सूरत देखने से कहीं मामला खराब ना हो जाए। बेबी तुमने देखा अफशा डार्लिंग, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज रियली ग्रेट। इधर हमारा घर कैसे आ गया? मैं अपने लुटे हुए घर को दूसरी बार बर्बाद होने से बचाने आई हूँ मम्मी। तुम और तुम्हारी नवासी मेरे दुखी भाई की जिंदगी में फिर से तूफान बनकर दाखिल हो गए हो। मैं पूछती हूँ क्यों? अब उस लुटे हुए घर में क्या बाकी रह गया था जिसको लूटने के लिए तुमने चोरों की नकब लगाई? क्या बोलता है मैडम, हमने और हमारा बेबी ने पूरा लाइफ तुम्हारे जुल्म का मुकाबला किया और उल्टा तुम हमको चोर बोलता है? क्या चोरी किया हमने? अपने हालात के मुताबिक जिंदा रहा, बेबी की लाइफ के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, हमने तुम पर तुम्हारे भाई पर कभी कोई बर्डन बना? काश मुझे मालूम होता तुम्हारी नवासी भी उसी स्कूल में पढ़ रही है तो मैं अपने बेटे को तालीम से महरूम करती ताकि हमारी जिंदगी में नफरत और तबाही का ये तूफान तो ना था। तुम उस घर को लूटना चाहती हो तो हमसे हमारी सारी दौलत ले लो मम्मी, लेकिन मेरे भाई की वीरान जिंदगी से चुपचाप निकल जाओ, इस शहर को छोड़कर कहीं और चली जाओ। मेरे पास तो दुखी भाई के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब तुम इधर से कुछ मांगने आए? हाँ, मांगने आई हूँ बेबी, अपने अंधे भाई की खुशी, उसका सुकून, उसका सुकून खैरा समझकर हमारी झोली में डाल दो मम्मी। नो नो, ऐसा मत बोलो, तुम पैसा वाला लोग जब किसी गरीब आदमी को लूटना मांगता ऐसा ही खैरात मांगता। हम तुमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैडम सफिया, तुम उस आदमी का बहन है जिसने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा, अपने भाई के फेवर में बोलने वाला सेंटिमेंटल बहन। तुम उस दिन क्यों नहीं बोला जब हमारा अफशा को डाइवोर्स मिला? तुम उस दिन क्यों चुप रहा जब बेबी को उसके बाप ने अपने घर से धक्का देकर निकाला? आज इंसाफ का टाइम आया तो अपने मतलब को बोल पड़ा। मम्मी डोंट स्पीक, आज भी कुछ मत बोलो, आज भी खामोश रहो। तुम मुझे खामोश रखकर मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, तुम जो चाहती हो कभी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैडम, जरूर होगा। जिस बड़ा तूफान के लिए तुम हमको शहर छोड़ने को बोलता उससे बहुत बड़ा तूफान मम्मी ने अपने सीने में छुपाया, तुमने देखा नहीं? हमने तुम्हारे ब्लड को इधर गंदगी में रहकर भी कितना ठीक रखा, उसको खराब नहीं किया, तुम्हारे लेवल का बनाया, इसीलिए तुम उसको जाकर मिला। बाप बेटी का सीन तुम देख नहीं सकता, इसलिए हम बोलता कीप क्वाइट, मम्मी का माफिक देखो। जैसा इतना साल तक मम्मी चुपचाप दुनिया का तमाशा देखता रहा है, तुम भी बाप बेटी का मिलने का तमाशा देखो, कौन ठीक है कौन खराब है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये सब खुदा का फैसला है। फिनिश। डॉक्टर साहब, तारा बेटी तुम हमारे सामने आ जाओ, पट्टी खुलते ही सबसे पहले हम तुम्हारी सूरत देखना चाहते हैं। Thank you.
हमारी बेटी की नहीं हो सकती। तुम हमारी बेटी नहीं हो। तुमने जिस ग्रैंड मदर को अपना वारिस और महाफिज बताया है वो औरत बेचने वाली दलाला, जाओ जाकर इस चार नाइट क्लब में उससे पूछो। वो तुम्हारी माँ को बेचती रही है और अब तुम्हें बेचेगी। मामू जान, यह क्या कह रहे? तुम चुप रहो खालिद, जो कुछ हम जानते हैं तुम नहीं जानते। अब इन आंखों में आंसू लाने के बजाय इस बात का जवाब दो कि तुम्हें एक शरीफ खानदान के लड़के से मोहब्बत करने का हक किसने दिया है? बताओ तुम्हारा खानदान क्या है? बताओ कौन थी तुम्हारी माँ? नहीं बता सकती तो हमसे पूछो। तुम्हारी माँ एक बदनाम पेशेवर औरत थी और तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप की पहचान शायद तुम्हारी माँ को भी ना हो, इसलिए कि तुम गुनाह की बेटी हो, आवारगी की बेटी हो। निकल जाओ यहां से, जाओ। तुम मेरी नजरों में धूल नहीं झोंक सकती मम्मी। ना तुम्हें मुझसे दिलचस्पी नहीं है, ना इस क्लब से, ना कोई नई डांसर आई है, ना कोई तफरी। क्या करेगा सेठ, हमारा अपना एक प्रॉब्लम है। जिस मिशन के लिए हमने ये पॉइजन दिया था उसको पूरा नहीं करेगा तो क्या करेगा? तुम्हारा सबसे बड़ा काम हमें खुश करना है। इतना अच्छा हो गया, किसी लड़की से दोस्ती नहीं करवाई। हम चाहते हैं इस क्लब में नई नई डांसर्स आए, खूबसूरत और नौजवान। मिटाने के लिए आप इस दिल के बुझाने के लिए रूह की प्यास मिटाने के लिए इस दिल के बुझाने के लिए गुनाह और सही, एक गुनाह और सही, एक गुनाह और सही, एक गुनाह और सही, एक गुनाह और सही, रूह की प्यास मिटाने के लिए। एक गुनाह और सही।
चीज है मम्मी, हमारी बात इससे करवा दो ना। जलील कमीना, इस बात पर हम तुम्हारा मर्डर कर सकते हैं। तुम हमारा सारा लाइफ का इबादत को डैमेज करना मांगता है, निकल जल्दी से, निकल जाओ, चले जाओ इधर से। हम इस नाइट क्लब को आग लगा देगा, आग लगा देगा नाइट क्लब को। मैं सेठ के स्टाफ का केटरिंग जॉब है ना, ये बहुत नेक आदमी है ना, तुम्हें जब चाहे पैसा मिल जाता है। सुन डार्लिंग, मम्मी ने पूरा लाइफ में सिर्फ एक बार झूठ बोला है, बट तुम मम्मी का मजबूरी नहीं समझ सकता। मम्मी को कोई अच्छे काम के लिए पैसा नहीं देता, और मम्मी को पैसे की जरूरत था बेबी, और इस पैसे को हासिल करने के लिए तुम मेरी माँ को बेचती रही हो। और नो नो डार्लिंग, मम्मी किसी की माँ को नहीं बेच सकता। तुम झूठ बोलती हो, बताओ जलील औरत, तुम औरतें बेचने वाली दलाला हो ना? सच सच बताओ, तुम सारी जिंदगी औरतें बेचती रही हो ना? हमको कुछ मालूम नहीं डार्लिंग, हमको कुछ मालूम नहीं। तुम जो चाहता, तुम जिस बात में खुश होता, हम वही बोल देता। तो फिर इकरार करो अपने गुनाहों का, कहो कि तुम औरतें बेचने का खलीस कारोबार करती रही हो। यस जी, चाहता है तुम्हें मम्मी कहने की बजाय शैतान की वो बेटी कहूं, जिसके चेहरे पर इस दुनिया के तमाम इंसानों का थूक देने को जी चाहे। तुम ऐसी सजा के मुस्तहिक हो कि तुम्हें संसार कर दिया जाए। तुमने ठीक बोला बेबी, तुम एकदम राइट हो। ये सब बातें मम्मी खुद तुम्हारे सामने कन्फेस करना मांगता था, बट खुदा को यही मंजूर था मम्मी को पनिशमेंट मिले, इसलिए मिस टाइमिंग हो गया। अभी तुम्हारी सजा का दिन नहीं आया, अभी तो तुम एक और अजाब से गुजरोगी मम्मी। जैसा तुम बोलो बेबी, अपना खुशी करो। मेरी खुशियों को तो माँ और तुम्हारी तारीख माजी ने लूट लिया है, लेकिन अपनी सजा और अंजाम पर पहुंचने से पहले ये तो बताओ, मेरा बाप कौन था? कोई था भी या नहीं? बताओ मैं किस बाप की बेटी हूँ? यहाँ सिर्फ गुनाह और आवारगी की बेटी हूँ। ओ नो नो, ऐसा बात नहीं है बेबी, लेकिन तुमको ये बात उस खालिद के मामू ने तो नहीं बोला? हाँ, उसी ने मुझसे मेरे गंदे खून की पहचान पूछी। बताओ मेरा बाप कौन था? इसका मतलब है उस बड़ा सेठ ने एक बार फिर मम्मी पर अटैक किया है, लेकिन अब मम्मी खामोश नहीं रहेगा। सुनो बेबी, आज मम्मी तुमको सब कुछ बता देगा। जिस आदमी ने तुमसे तुम्हारे बाप का नाम पूछा, वही शरीफ आदमी तुम्हारा बाप है। और मम्मी तुमको ये भी बताएगा, वही तुम्हारी माँ का कातिल है। उसने तुम्हारी माँ से शादी बनाया और फिर उसको डाइवोर्स कर दिया। मम्मी, मम्मी तुमको ये भी बताएगा बेबी, जिस चौका से तुम प्यार करता है, तुम्हारी माँ का इज्जत उसी के बाप ने लूटा था। मम्मी, मम्मी इतना बड़ा तूफान अपने दिल में छुपाकर सिर्फ टाइम का इंतजार करता, बस थोड़ा सा टाइम लेता। फिक्र मत करो बेबी, मम्मी उन सब से इंतकाम लेगा, रिवेंज। हम आज ही इस शहर को छोड़कर चला जाएगा और इस क्लब को आग लगा देगा। आग इस क्लब को नहीं, उनके दिलों को लगेगी, उनके घरों को लगेगी। ये क्लब आबाद रहेगा मम्मी, इस क्लब में तारा गुना की बेटी बनकर नाचेगी, हाँ बालकी की बेटी बनकर नाचेगी। तुम एक बड़े घर के बेटे हो, शरीफ मां, और मैं गुनाह की बेटी जो तुम्हारे घर में अपनी जिल्लत और रुसवाई का तमाशा देख चुकी है। जिस मोहब्बत और प्यार की शिकायत तुम मुझसे करने आए हो, वो मोहब्बत दम तोड़कर इंतकाम का रूप धार चुकी है। अब
अपनी झूठी और कमजोर शिकायत समेत लौट जाओ खालिद। मेरे होंठों पर लगे कुफ टूट गए तो वो तूफान आएगा जिसमें तुम्हारे खानदान और मामू की इज्जत एक तिनके की तरह बह जाएगी। शख्स और आवाज के कारोबार की इस दुनिया में आकर तुम्हारी जुबान ने गुनाह की हमारे में बोलना तो सीख लिया। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो तारा, मेरी मोहब्बत बेचने का हक किसने दिया? हमने दिया है, हमसे पूछो छोकरा, इस हक का हिसाब किताब हमारे पास है। मम्मी हैज अ लॉन्ग लिस्ट, तुम हमको क्या पूछेगा, हमको जवाब दो। तुम्हारे मामू ने हमारी बेबी का इंसल्ट क्यों किया है? तारा गुनाह का बेटी नहीं है, वो तुम्हारे मामा ही का बेटी है। हमको इस बात का भी हिसाब दो, तुम्हारा बाप ने इसका माँ का इज्जत क्यों लूटा था? हमको ये जवाब दो, तुम्हारे मामू ने अपनी इज्जत का बदला लेने की बजाय अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया? वो तुम्हारा इज्जतदार मामू जो तारा से उसके बाप का पता पूछता है, उसको बोलो पहले तुमको तुम्हारे बाप का पहचान कराए, उससे पूछो तुम्हारा बाप शरीफ आदमी था या स्मगलर, मर गया है या जिंदा है। पहले तुम अपने खून का पहचान करो, अगर तुम्हारे खून की पहचान गंदी निकले तो फिर अपने मामू को बोलो तारा गंदा खून का बेटी नहीं है, अच्छा फैमिली का बेटी है। हम तुम्हारे गंदे खून को अपने सीने से लगाकर अपनी बेटी का शादी तुमसे कर देगा, मगर एक शर्त पर, तुम्हारा मामू इधर आए, हमसे रिक्वेस्ट करे। तुम अपना बारात अपना बंगला सिलाओ, हम बेटी का डोली नाइट क्लब से भेजेगा, जाओ। आपने उस लड़की का सबने सबर खानदान पूछा था, पहले ये बताइए मेरा बात कौन है? बेटा तो मैं बहुत बड़े मतलब का और मेरा बाप चिंता है, मुझे इस हकीकत का एलम हो चुका है मामूजान। खालिद, कुछ जुर्म और बुराइयां अगर मेरे खून में भी शामिल है तो फिर मुझे तारा के साथ शादी करने से कोई रोक सकता है? खालिद, नहीं, हम तुम्हें खानदान के चेहरे पर कालक मलते नहीं देख सकते, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा। कैसे वक्त पर आया हूं, तुम मेरे बेटे की खुशियों के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो, लेकिन मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। तुम फिक्र मत करो बेटे, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहते हो। मैं खुद लड़की के घर वालों से बात करूंगा। लेकिन वो लड़की इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। क्यों? अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं उसका, आवारा है क्या? लोग उसे बदचलन कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? याद करो वो दिन जब तुमने अपने प्यार की खातिर इस घर की इज्जत और वकार का सौदा किया था। आज मैं अपने बेटे की खुशियों के लिए इस घर की इज्जत का सौदा करूंगा। आओ बेटे, आओ मेरे साथ। तुम 20 साल बाद इस घर के सुकून को लूटने के लिए आ गए, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। इस घर के इज्जतदार वजूद को तुम जैसे बदनाम इंसान की कोई जरूरत नहीं। और मेरे बेटे को तुम जैसे खानदानी लोगों की जरूरत है, औलाद को बाप से कोई नहीं छीन सकता। खालिद मेरा बेटा। ये ठीक है तेरे सफिया, खून को खून से कोई नहीं छीन सकता, औलाद को औलाद को बाप से कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। जहांगीर, आजकल एक लड़की ने यहाँ बड़ी आफत मचा रखी, सुना है वो इस शहर की सौगात है। नाम क्या है? तारा। रहती कहाँ है? रियाज का तो पता नहीं, स्टार क्लब में डांस करती है और क्लब की मालिक मम्मी के कंट्रोल में है। दैट ओल्ड मम्मी। दिल में आग लगी है मम्मी, जी चाहता है खुद भी चल जाऊं और जमाने को भी खत्म कर दूं। डोंट वरी डार्लिंग, एक टाइम आएगा, हमारा मिशन पूरा होने का टाइम जरूर आएगा। और साला ये इस टाइम पर कौन आ गया? कौन है तुम? हेलो मम्मी। किधर से आया? कई सालों बाद वतन वापस आया, बाहर कारोबार करता।
दूसरे मुल्क में काला वाला माल बेचता। ओ सब चलता है मम्मी, बड़ी तलाश के बाद तुम्हारा पता मालूम किया। एक काम था तुमसे। कैसा काम? और मेरे साथ कुछ फॉरेनर दोस्त आए हैं, उनकी खातिर तवाजो के लिए लड़की अरेंज कर दो, कुछ डांस हंगामा हो जाए। सुना है आजकल तुम्हारे पास बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ, फंक्शन किधर होगा? हमारे घर पर। घर पर? एकदम मंजूर, हमको टाइम बताओ, हम एकदम राइट टाइम पहुँचना मांगते हैं। 8 बजे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, वेरी गुड। वो टाइम आ गया डार्लिंग, मम्मी जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकता था कर दिया, अब तुम अपना फैसला खुद करो। कैसा फैसला? हमने तुम्हारा डांस आइटम बुक किया है, तुम कोर्ट में डांस करेगा। क्या मतलब? तुम उस घर में डांस करेगा जिधर एक ही टाइम पर तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा प्यार होगा और तुम्हारा माँ का कातिल भी होगा। आज इंसाफ का दिन है बेबी, जाओ इंसाफ मांगो उस बाप से जो तुमसे तुम्हारे बाप का नाम पूछता है, उस प्यार से जो तुम्हारे बाप से हार गया और उस दुश्मन से जिसके पनिशमेंट के लिए मम्मी आज तक जिंदा था। जाओ बेबी, उन सब के सामने जाकर नाचो कि आज तुम्हारा नाच का दिन नहीं, कयामत का दिन है, कयामत का दिन। अब सब मम्मी का बर्दाश्त से बाहर हो गया बेबी। आज हम तुमको ये बोलने को आया, हम तुम्हारा प्लच तोड़ देगा, हम उस कसम को तोड़ देगा जो मरने के टाइम तुमने हमको दिया। जिस जालिम ने तुम्हारा लाइफ खराब किया उसको सजा देने के लिए हम ये कसम तोड़ते हैं। हमको माफ कर दो बेबी, हमको माफ कर दो। घबरा गया मैं? अफशा बेबी के मरने के बाद तुम समझा था तुम्हारा जुल्म का गवाही कोई नहीं दे सकता, लेकिन खुदा का लाठी बेआवाज है जागीर, ये लड़की तुम्हारे जुल्म का गवाही देगा। आज तुमको अपना एक एक गलती मानना पड़ेगा। तुम इस घर में कैसे आ गई? उधर रुक कर हमारा बात सुनो आसिफ, आज हम तुमको सब कुछ बताएगा। तुम्हारा ये बहनोई अपना दोस्तों को खुश करने के लिए हमारे पास एक खूबसूरत छोकरी का खरीदार बनकर आया था, और हम इस सादा में तुम्हारा बेटी तारा को इधर लेकर आया। मिस्टर आसिफ, बोलो कैसा लगता है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये लड़की हमारी बेटी है? सबूत देने के लिए तो इतना लॉन्ग वेट किया है मैन, आज झूठ और सच का फैसला जरूर होगा। जागीर, हमारा हर बात का सच सच दो। बोलो, आसिफ का शादी से पहले तुम अफशा का दोस्त था? सच बोलो जागीर। था। और जब आसिफ ने अफशा के साथ शादी बनाया, हमने तुमको इस हाथ से स्लैप किया था इसलिए कि तुमने उसका बीवी का नाम लिया था। बोलो ठीक है? उस ब्रॉथल हाउस में हमने तुम्हारा बीबी का इज्जत बचाया सेठ आसिफ, मगर इस तुम्हारा बड़ा इज्जतदार घर में तुम्हारा बीबी का इज्जत लट गया तुम्हारे इस बहनोई के हाथ से। बोलो जागीर, तुमने ऐसा किया? सच बोलो, नहीं तो गोली मार देगा। किया था। अब हमको हिसाब दो सेठ, ब्रॉथल हाउस हमारा फ्लैट था या तुम्हारा बंगला? उधर बचने वाला बीवी इधर लुट गया। बोलो आसिफ, गटर हम है कि तुम? हमारा अफशा तुम्हारा बहन का सुहाग बचाने के लिए दुख उठाता मर गया। अब हमको बताओ आसिफ, हमको जवाब दो, तारा गुना का बेटी है कि तुम्हारा बेटी? तेरा जब
तू मेरी अफसर का कातिल है, तो आज मैं तुझसे तेरे हर जुल्म का हिसाब लूंगा। तूने इस घर की खुशियों को लूटा, तेरे गुनाहों की सजा मेरी बेगुनाह बीवी को मिली है, लेकिन आज तू इंसाफ के कहर और अजाब से नहीं बच सकता। तो आज इस घर की एक एक ईंट तुझसे इंतकाम लेगी। जी चाहता है तुझे एक बार नहीं बार बार कत्ल करूं, और हर बार कुदरत से तेरी जिंदगी की भीख मांगकर तेरे जिस्म पर उतने ही जख्म लगाऊं जितने तूने मेरी इज्जत पर लगाए। मम्मी, ये तुमने क्या किया? मैं इसे मारकर अपने दिल में भड़की हुई आग को ठंडा करना चाहता था, तुमने मम्मी मुझे प्यासा क्यों छोड़ दिया? हमने एकदम ठीक किया है आसिफ, इस दिन के लिए तो इतना लॉन्ग वेट किया है, बाप बेटे को मिलाने के लिए इतना स्ट्रगल किया है, और तुम इस हैवान को मार कर फिर अपना बेटे से जुदा होना, ये तुम्हारा मुजरिम नहीं, हमारा मुजरिम है। इसका खून से हमारा दामन पर लगा हुआ सब दाग धुल जाएगा। खाली डार्लिंग, सॉरी खाली डार्लिंग, हमने तुम्हारा बाप को नहीं एक बुराई को खत्म किया है। सफिया बेटी, तुम भी हमको माफ कर दो, बाप बेटी को मिलाने के लिए ऐसा करना जरूरी था बेटी, ऐसा करना जरूरी था। अब हम पुलिस स्टेशन जाएगा अपना गुनाह का काम के लिए। तारा 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 डार्लिंग, और तुम क्या रोता है इडियट? आज तुम मत रो, आज तो तुम्हारा खुशी का दिन है, तुम सब लोग का खुशी का दिन है। मम्मी का क्या है? मम्मी तो बहुत गुनाहगार है, सारा जिंदगी गुनाह किया है, एक गुनाह और सही।